वेलकम टू राजसा नॉलेज फैक्ट फ्रेंड। दोस्तों, चीन या पाकिस्तान, इन दोनों देश में से अगर एक से भी भारत का साथ फुल स्केल युद्ध हुआ तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि भारत को इन दोनों ही देशों के फ्रंट से हमला झेलना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गुप्त सेना, आतंकवादियों के फौज भी इसमें शामिल होगी। इस त्रिसंगी हमले से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है, भारत का पता तो इसी बात से चल जाता है कि अधिक 70 साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी भारत जैसा विशाल देश जहाँ रिसोर्स, माइंड, एंशिएंट विजडम और क्षमताओं के कोई कमी नहीं है, बावजूद इसकी भारत आज तक मजबूत नहीं बल्कि मजबूर ही बना हुआ है। और लगातार 15 दिनों तक युद्ध करने की तैयारी भी हमें अब दूसरे देशों के मदद से करनी पड़ रही है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारतीय सेना पाकिस्तान व चीन की संयुक्त सेना के सामने कितनी मजबूत है। शुरुआत करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। 2020 के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग भारत की करेंट पॉपुलेशन 138 करोड़ के लगभग हो चुकी है। वहीं चीन और पाकिस्तान की संयुक्त जनसंख्या चीन की विशाल जनसंख्या के दम पर 165 करोड़ है। पॉपुलेशन के रैंक में भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, वहीं चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है और पाकिस्तान इस सूची में पांचवें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, वहीं चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और पाकिस्तान 33वां सबसे बड़ा देश है। डिफेंस बजट देख ले तो भारत ने 2019-20 में तकरीबन अपने बजट से भी ज्यादा करीबन 71 बिलियन यूएस डॉलर अपने बजट पर खर्च कर दिए हैं। चीन और पाकिस्तान का संयुक्त बजट 190 यूएस डॉलर हो चुका है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग की अनुसार इंडियन मिलिट्री दुनिया के चौथे सबसे शक्तिशाली सेना है, वहीं चीन के तीसरे और पाकिस्तान इस सूची में 15वें स्थान पर आता है। इसके बाद देखें न्यूक्लियर पावर, तो इस फील्ड में न्यूक्लियर वारहेड भारत के पास 150 से भी अधिक होने का संभावना है। चीन और पाकिस्तान के पास करीब कुल मिला के 480 न्यूक्लियर वारहेड होने का संभावना है। इसके बाद मिलिट्री पर्सनल, तो इस फील्ड में एक्टिव के साथ साथ सभी रिजर्व पर्सनल मिलाकर भारत के पास 35 लाख से भी अधिक पर्सनल है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास कुल मिला के 39 लाख मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। इसके बाद देखें हवाई ताकत, तो इस फील्ड में फाइटर एयरक्राफ्ट और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के संख्या भारत के पास 530 से भी अधिक है। चीन और पाकिस्तान दोनों के ही मिलाकर 1630 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। इसके बाद डेडिकेटेड अटैक के लिए अटैकर एयरक्राफ्ट भारत के पास इसकी संख्या 170 से भी अधिक है, जिसमें से कई रिटायर होने वाले हैं कि भारत अमेरिका व अन्य देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हथियार लीज पर लेने के भी प्लानिंग कर रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 1660 से भी अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट मौजूद है। उसके बाद विभिन्न तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारत के पास सभी मिला के 750 से भी अधिक है, लेकिन इसमें अटैकर हेलीकॉप्टर काफी कम है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 16 से भी अधिक अभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। इसके बाद देखे जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक भारत के पास नए और पुराने छोटे बड़े सभी मिलाकर 4300 से अधिक कॉम्बैट टैंक है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 6200 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक है, इसमें से कई रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद हथियारों से लैस आर्मर फाइटर भेजकर व पर्सनल कैरियर भारत के पास करीबन 8700 से भी अधिक है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास नए और पुराने तकनीक के आर्मर फाइटर व्हीकल 47000 से भी अधिक है। इसके बाद दुश्मन के हवाई हमले से डिफेंस के लिए मल्टी रॉकेट लॉन्चर भारत के पास 300 से भी अधिक है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास रशिया की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और कई पुराने कुल मिला के 2750 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्ट है। इसके बाद टावर या फील्ड आर्टिलरी गन भारत के पास 4000 से भी अधिक है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 4800 से भी अधिक फील्ड आर्टिलरी गन है। इसके बाद सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन भारत के पास 230 से भी अधिक है, वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 4200 से भी अधिक है। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक पर कभी काम चल रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान में केवल चीन के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, बाकी 3 पर काम चल रहा है। इसके बाद फ्रिगेट्स, भारत के पास करेंटली 13 एक्टिव फ्रिगेट्स है, 2 लॉन्च की जा चुके हैं जिन्हें 2 से 3 साल में नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 60 से भी अधिक फ्रिगेट्स है। उसके बाद कॉर्वेट्स, भारत के पास 19 कॉर्वेट्स है, वहीं चीन और पाकिस्तान के पास कुल मिला के 50 से भी अधिक कॉर्वेट्स है। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर, भारत के पास 10 एक्टिव डिस्ट्रॉयर है, एक को और ट्रायल के बाद शामिल कर लिया जाएगा।
बाकी तीन पर काम चल रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 36 एक्टिव डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन, भारत के पास 18 सबमरीन हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान के पास 84 सबमरीन है। सो फ्रेंड, हमने देखा इंडियन मिलिट्री वर्सेस चाइना पाकिस्तान मिलिट्री के बीच कंपैरिजन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह का फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।